तो दोस्तों क्या आपको भी फोन पे में दोस्तों बैलेंस चेक करने को आप जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह से अनेबल टू फेच बैलेंस लिखा आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पर नीचे टेक्निकल इशू वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपको भी आपके फोन पे में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फोन पे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी जितनी लाइक होंगी मैं समझ जाऊंगा उतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिए। और दोस्तों चलिए आप बता देता हूं क्या है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उससे पहले ये जान लीजिए कि क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम फोन पे में। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ज्यादातर SBI के यूजर्स के पास ज्यादा आ रही है दोस्तों यहां पर। तो क्या हो रहा है कि फोन पे में दोस्तों ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि SBI बैंक के सर्वर्स यहां पर डाउन जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम देखने को मिल रही। बाकी दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को यहां पर ओपन करना है दोस्तों। प्ले स्टोर को आप जैसे ही ओपन कर लोगे यहां पर दोस्तों आपको फोन पे लिखकर सर्च करना है। फोन पे लिखकर आप जैसे ही दोस्तों यहां पर सर्च करोगे, इसके बाद यहां पर इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों अब यहां पर फोन पे के आगे आपके अगर ओपन लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, तो अभी यहां पर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। लेकिन अगर फोन पे के आगे आपका अपडेट लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर फोन पे को अपडेट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि हम जब अपडेट नहीं करते हैं कोई भी ऐप को तो दोस्तों वो पुराना हो जाता है। और अपडेट करने के बाद दोस्तों जो भी न्यू फीचर्स वगैरह ऐप में ऐड हुए हों दोस्तों वो भी हमको हमारे ऐप में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपडेट कर लेना होगा अपने फोन पे को। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दूसरा क्या तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि दोस्तों आपको अपने मोबाइल का जो एरोप्लेन मोड है दोस्तों उसको एक बार ऑन आपको कर लेना होगा दोस्तों। यहाँ पर से एक बार ऑन आपको करना, इसके बाद 4 से 5 सेकेंड आपको यहाँ पर वेट करना है दोस्तों। 4 से 5 सेकेंड वेट करने के बाद इसको दोबारा से आपको ऑफ कर देना होगा दोस्तों। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बैक आना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको दोबारा से फ़ोन पे को ओपन करना है दोस्तों। फ़ोन पे को ओपन करने के बाद दोबारा ये प्रॉब्लम टेक्निकल इशू वाली आ रही है दोस्तों बैलेंस चेक करने पर। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो मैंने दो तरीके बताए इनका आपको यूज़ तो करना ही है दोस्तों, और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो बैंक के सर्वर्स जो हैं वो डाउन जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है दोस्तों। और ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर SBI की तरफ से होगी, फ़ोनपे की तरफ से होगी, यानी कि यहाँ पर हम जो कर सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों आपको यहां पर कुछ घंटे और वेट करना है, कुछ मिनट और वेट करना है, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। आई होप वीडियो को पसंद होगी, वीडियो को लाइक करके अच्छा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं फिर ऐसी अगली वीडियो में।